आप देख रहे हैं डिजियाना न्यूज, मैं दीपक रजक आपका स्वागत करता हूं। आइए रुख करते हैं अभी तक की प्रमुख खबरों की तरफ। कैंट पुलिस लाइन स्थित विशेष किशोर इकाई ने आज एक प्रेस वार्ता आयोजित कर किशोर अपराधों एवं उनसे जुड़े कानूनों की जानकारी मीडिया कर्मियों के समक्ष रखी। वहीं एक खोए हुए बालक को आज विशेष किशोर इकाई ने उसके परिजनों को सौंपा। साथ ही संविधान की धारा 74 अधिनियम 2015 जो कि बालक की पहचान प्रकट करने से संबंधित है की जानकारी भी मीडिया कर्मियों के समक्ष रखी। आइए नजर डालते हैं आखिर क्या है धारा 74। धारा 74 बालक की पहचान प्रकटन के प्रच्छेद। किसी जांच या अन्वेषण या न्यायिक प्रक्रिया के दौरान किसी भी बालक जिसकी उम्र 18 वर्ष से कम है उसकी पहचान छुपा के रखी जाती है। उसको हमेशा किशोर ही कहा जाता है, कभी अपराधी नहीं कहा जा सकता और ना ही उसे बाल अपराधी की श्रेणी में रखा जाएगा। पुलिस चरित्र प्रमाण पत्र के प्रायोजन के लिए या अन्यथा बालक के किसी अभिलेख का ऐसे मामलों में प्रकटन नहीं कर देगी जहाँ की ये मामला बंद किया जा चुका हो, उसका भी निपटारा किया जा चुका हो। इसकी उपधारा 1 के उपबंधों का उल्लंघन करने वाला कोई भी व्यक्ति ऐसे कारावास जिसकी अवधि 6 मास तक की हो सकती है या जुर्माने में 2,00,000 रुपए तक का हो सकेगा, दोनों से भी दंडनीय होगा। अब समझ से परे है कि क्या धारा 74 सिर्फ मीडिया कर्मियों पर ही लागू होती है या खुद पुलिस कर्मी भी इसके दायरे में आते हैं। अभी हाल ही में ताजा 3 मामलों में एक थाना प्रभारी द्वारा नाबालिगों की पहचान प्रकट की गई थी। खैर पुलिस की लीला पुलिस ही जाने। प्राधिकरण के अंतर्गत ये कार्यक्रम जो रखा गया है इसमें उपस्थित मंच पर उपस्थित आदरणीय संयम साहब, श्री गुप्ता साहब, प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट आप लोग भी जानते हो साहब अगर गर्म रहेंगे अच्छा काम करेंगे। प्रेस और प्रेस मीडिया के साथ हमारा कोऑर्डिनेशन कैसा हो और उनके साथ हम इस तरह से काम कर सकते हैं, इसका विषय मैं जो केयर एक्ट है इसका उद्देश्य क्या है। ये एक्ट जो है ये जुवेनाइल जो हैं जिनसे विधि का उल्लंघन हुआ है उनको अपन अब आरोपी नहीं कह सकते, दे आर कॉन्फ्लिक्ट इन लॉ, ठीक है, मतलब विधि के प्रतिनिधि किशोर हैं जिन्होंने उल्लंघन किया है, तो उनके केयर एंड प्रोटेक्शन के संबंध में ये जुवेनाइल जस्टिस एक्ट बनाया गया है जिसमें सभी के लिए ड्यूटीज अधिरोपित की गई, उसी के अंतर्गत ये बोर्ड बनाया गया, उसी के अंतर्गत ये जो SJPU विशेष किशोर पुलिस इकाई है इसका गठन किया गया है और हर पुलिस थाने में मेरे ख्याल से आपके हर थाने में बाल कल्याण पुलिस अधिकारी होगा, तो उस बाल कल्याण पुलिस अधिकारी के द्वारा ही किशोर को पेश किया जाना चाहिए। वो भी कहाँ, पहले आप SJPU में आइए। और कुछ मैंने आपको ये दे दिया, वैसे ये आपसे संबंधित इसलिए मैंने दे दिया कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंतर्गत व्हाट यू शुड डू और नॉट डू, ये नहीं करना चाहिए और ये करना है ना। बाकी पत्रकार बंधुओं के लिए ये मैं थोड़ा सा एक बता दूं कि जुवेनाइल जस्टिस केयर में ही एक वो है प्रावधान कि किशोर की डिस्क्रिप्शन को आप ना पब्लिश करें, जैसे उसकी आइडेंटिटी, फोटोज, उसके नाम, माता पिता, क्योंकि हमारा जो उद्देश्य मेन, देखिए क्या है कि बाल मन रहता है ना, कभी कभी वो समझ नहीं पाता किन परिस्थितियों में उससे अपराध हुआ है, तो हमको चलो ये मान भी लिया अपन कि अपन ने उसने किया है ये उल्लंघन, बट किन परिस्थितियों में किया है तो उसके पुनर्वास के संबंध में भी हमको सोचना है। उसमें कई कम्युनल सर्विसेज होती हैं, जैसे अगर मैंने पाया कि ये विधि का उल्लंघन किया है बट अपराध ऐसा है कि हम इसको इसके पुनर्वास के लिए इसको कम्युनल सर्विस के लिए भेज सकते हैं कहीं भी, जैसे मान लो अपन ने अस्पताल में इसको भेज दिया कहीं काम करने के लिए कि ये 2 महीने 3 महीने सेवा करेगा वहाँ पर, क्योंकि इसका मेन उद्देश्य ये नहीं है कि इसको दंडित करना है, दंड के साथ साथ उसका सुधार करना भी अपना एक कर्तव्य है और उसी के अंतर्गत ये सब जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की स्थापना की गई है ना। हम यही से आप लोग से भी यही अनुरोध है मेरा कि शिविर के थ्रू ये बताएं कि बच्चों को किस प्रकार से उनके ध्यान रखा जाए, उनकी संगत को, मतलब हर पेरेंट्स तक ये वो पहुँचे कि पेरेंट्स ही सबसे बड़े उनके मतलब गार्जियन वही हैं, तो उनकी शिक्षा बहुत ज़रूरी है, शिक्षा रहेगी तो वो ये काम भी नहीं करेंगे। कई ज़्यादातर आप लोगों ने देखा हो जितने भी किशोर होंगे ज़्यादातर अशिक्षित ही रहते हैं जिनसे अपराध होते हैं, पर अपराध क्यों हुए उसके लिए हम लोग जाँच करते हैं और किशोर न्याय बोर्ड में ये एक तरीके से विचारण नहीं कराता, ये जाँच होती है, ट्रायल तो कोर्ट में होती है और यहाँ होती है जाँच में ये पाना है मुझे कि इसने विधि का उल्लंघन किया है या नहीं।
किया है तो किन परिस्थिति में किया है, तो उसके हिसाब से फिर उनके रिहैबिलिटेशन की क्या व्यवस्था कर सकते हैं, पर उनके पुनर्वास उनको सुधारने के लिए क्या प्रयास किया सकते हैं, तो इसी को रखते हुए ये उद्देश्य बनाया गया है। अब हालांकि इसमें चीज़ें बहुत सी हैं पर समय का थोड़ा अभाव है, इसमें एक विस्तृत शिविर हम आयोजित करेंगे। श्रावण मास के पहले सोमवार के उपलक्ष्य में निकाली गई शिव जी की पालकी यात्रा। उक्त पालकी यात्रा महेंद्र करार के नेतृत्व में शहर भर के भ्रमण पर निकली, जो कि क्रियाकलाप कार्यालय पर स्थित शिव जी के मंदिर से शुरू होकर शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए पुनः शिव जी के मंदिर पर संपन्न हुई। इस पालकी यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु झूमते गाते हुए नजर आए। सामने ली करवट तो खिले किसानों के चेहरे। आज श्रावण मास का पहला सोमवार है, वहीं यह सोमवार किसानों के लिए भी खुशी लेकर आया। कई दिनों से छाए बादल आखिरकार आज बरस ही गए। इस बारिश से एक और अन्नदाता के चेहरे खिल उठे, तो वहीं शहरवासियों को भी गर्मी से राहत मिली। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायक यूनियन ने आज 10 जुलाई को देश भर में विरोध दिवस स्वरूप मनाया। इसी क्रम में गुना में भी बड़ी संख्या में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया, साथ ही प्रशासन से ये मांग भी रखी कि उन्हें स्थायी दर्जा देकर कर्मचारी घोषित किया जाए। ये असल में आज पूरे हिंदुस्तान में ये आंगनबाड़ी की कार्यकर्ता और सहायिकाएं जो बरसों से संघर्ष कर रही हैं, आज देश भर में विरोध दिवस के रूप में आज 10 जुलाई को मनाया जाता है। और इनकी मांग यही है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं को स्थायी का दर्जा देकर कर्मचारी घोषित किया जाना चाहिए। और यहाँ शिवराज सिंह चौहान की सरकार, जिसने अभी एक डेढ़ लाइन की सूचना जारी नहीं की है, जबकि जो वेतन निर्धारण कमेटी है इनकी, उसने आज कई महीनों पहले ये सर्वसम्मति से निर्णय कर दिया कि इनको कर्मचारी का दर्जा देकर न्यूनतम वेतन दिया जाएगा। मगर शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने डेडलाइन की अधिसूचना जारी नहीं की, इसलिए इन्हें न्यूनतम वेतन आज तक नहीं मिला है। क्योंकि मजदूर का दर्जा दे दिया गया है, मगर सरकार की अधिसूचना जारी नहीं होने के कारण इनको वो नहीं मिला है। तो आज ये पूरे देश में जो आंदोलन चल रहा है कि ये मोदी सरकार जो निजीकरण कर रही है आंगनबाड़ी केंद्रों का, ये बाबा रामदेव और ये तमाम होमटेक जो राशन है उसको वितरित करने के लिए पेप्सी कोला कंपनी से करार करने की जो कोशिश की जा रही है, उसके खिलाफ भी ये विरोध दिवस में ये मांग शामिल है कि निजीकरण नहीं चलेगा, आंगनबाड़ी केंद्रों का निजीकरण किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं होगा, ये कर्मचारी का दर्जा देकर पांडिचेरी में जैसे ये स्थायी कर्मचारी का वेतन ले रही है, वैसा ही वेतन पूरे हिंदुस्तान के कार्यकर्ता सहायिकाओं को मिले, ये आज विरोध दिवस के रूप में आज 10 जुलाई को ये मांग उठाई जा रही है। आज श्रावण मास का पहला सोमवार है, इसी के साथ शहर भर में शिव मंदिरों में पूजा अर्चना के लिए भक्तों की भीड़ देखने को मिल रही है। खासकर महिलाओं में श्रावण मास का उत्साह देखने को खासा बनता है। श्रावण का मास सर्वप्रथम है और इसमें 5 सोमवार पाए हैं और 5वें सोमवार का ग्रहण है। पहले सोमवार से अभिषेक चालू है, सुबह प्रसाद वितरण होगा, रात में प्रसाद वितरण होता है, महिलाएं पूजा करती हैं, शंकर सोमवार करती हैं, 16 सोमवार चालू होते हैं इसमें, इसी के सोमवार की पूजा है और शंकर भगवान की सेवा करते हैं। NH3 की 4 लेन निर्माण कार्य के चलते आज गादेर निवासियों के मकान तोड़ दिए गए
और ना ही उन्हें इसके बदले कोई मुआवजा राशि या रहने के लिए कोई दूसरी जगह मुहैया कराई गई। पीड़ित परिवारों का कहना है कि बारिश में आखिर वे जाए तो कहाँ जाएं। हालांकि पीड़ित इस मामले में प्रशासन को भी अवगत करा चुके हैं, पर प्रशासन की ओर से उन्हें कोई भी सहायता अब तक मिल नहीं पाई है। बहुत सरकारी संबंध है। नाम है आपका? पूरन। कहाँ रहते हैं आप? यहीं रहते हैं। कहाँ पे? गादेर पे। हाँ। बताएं क्या हुआ ये आपके साथ? जी हमारे मकान टूट गए बार बार साथ में। किसने? जी फोर लेन वाले ने। कोई मुआवजा नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। दूसरी जगह जमीन भी नहीं दी? हाँ कुछ नहीं। कलेक्टर साहब से मिले आप लोग? कलेक्टर साहब दरखास्त दी कई वक्त, कुछ नहीं किया। कलेक्टर ला पन्ना ला रहे गई, कुछ नहीं किया। सिर्फ कुआ कहना तुम कुआ रख लो के घर बजा। आरोन में बड़े ही धूमधाम से मनाया गया गुरु पूर्णिमा महोत्सव। जिले के आरोन तहसील से लगभग 22 किलोमीटर दूर ग्राम पिपलिया खेड़ा में बालाजी मंदिर पर प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी गुरु पूर्णिमा महोत्सव का आयोजन किया गया। बता दें कि यहां पर हर वर्ष गुरु पूर्णिमा महोत्सव बड़े ही जोर शोर से मनाया जाता है। दूर दूर से लोग गुरु पूर्णिमा महोत्सव का आनंद लेने पिपरिया खेड़ा गाँव पर जाते हैं। ऐसा ही नज़ारा कल देखने को मिला। यहाँ पर पंडित पवन कुमार शर्मा ने बताया कि गुरु पूर्णिमा महोत्सव पर विशाल भंडारे का आयोजन किया जाता है, जिसमें शहर से हजारों की संख्या में लोग प्रसादी ग्रहण करने आते हैं। क्या नाम है सर आपका? मैं मनोज शर्मा एडवोकेट। कहाँ रहते हैं आप? गुना। तो आप यहाँ क्यों आए? यहाँ ये पवित्र धार्मिक स्थल है, हनुमान जी का बहुत ही प्राचीन आश्रम है जी। और यहाँ पर क्या होता है, हर गुरु पूर्णिमा को विशाल भंडारा होता है और आसपास के सभी लोग यहाँ पर आकर जो है सेलिब्रेट करते हैं गुरु पूर्णिमा को जी। हाँ, यहाँ पर पंडित पवन कुमार शर्मा जी के द्वारा यहाँ पर उनके सानिध्य में भंडारा आयोजित किया जाता है और यहाँ पर कार्यक्रम सम्पन्न होता है। अभी भी बहुत सारे श्रद्धालु जन जो है चारों तरफ यहाँ पर उपस्थित हैं और बड़े ही धूमधाम से हर्षोल्लास से मना रहे हैं। कितने वर्षों से आ रहे हैं आप यहाँ? हम यहाँ लगभग 10-15 वर्षों से हम ही आ रहे हैं। पूरे परिवार के साथ आते हैं? हाँ, परिवार सहित आते हैं, सभी लोग मनाते हैं जी। धन्यवाद। आरोन से हमारे सहयोगी मिथुन शर्मा की रिपोर्ट। पर्यावरण के लिए लोगों में आई जागृति, जन्मदिन के अवसर पर किया पौधारोपण। शासकीय महाविद्यालय चांचौड़ा बीनागंज की विवेकानंद वाटिका में जन्मदिवस के अवसर पर वरिष्ठ सदस्य NS सर्जन सिंह शिल्पकार एवं पत्रकार विष्णु शाक्यवार ने पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण की शपथ ली, साथ ही और लोगों को पर्यावरण संरक्षण हेतु प्रेरित किया। इस अवसर पर प्रभारी प्राचार्य प्रोफेसर RC घावरी, वरिष्ठ पत्रकार दिनेश कुमार भार्गव, समाज सेवी कालू राम सेन, शिवम नामदेव के साथ साथ शासकीय महाविद्यालय के कई छात्र छात्राएं मौजूदगी में पौधारोपण किया गया। हमारे सहयोगी शिवम नामदेव की रिपोर्ट। गुरु द्वारा दिए गए ज्ञान का कोई मोल नहीं होता, कहा डॉक्टर चतुर्वेदी ने। शासकीय महाविद्यालय चांचौड़ा बीनागंज में शासन के निर्देशानुसार गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर गुरुवे नमा कार्यक्रम प्रभारी प्राचार्य प्रोफेसर RC घावरी के मार्गदर्शन में अज्ञान रूपी अमावस्या में ज्ञान प्रकाश रूपी पूर्णिमा है गुरुदेव विषय पर एक दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें संयुक्त रूप से कन्या महाविद्यालय एवं शासकीय महाविद्यालय चांचौड़ा में प्रवेशित छात्र छात्राओं का तिलक लगाकर प्रवेश उत्सव मनाया गया। एक दिवसीय संगोष्ठी का शुभारंभ मुख्य अतिथि डॉ. सतीश चतुर्वेदी, वरिष्ठ अतिथि प्रोफेसर RC घावरी, डॉ. अशोक सिंह गहलोत, समाज सेवी कालूराम सेन द्वारा सरस्वती चित्र पर पूजा अर्चन कर किया गया। शुभारंभ उपरांत
सीनियर छात्र छात्राओं ने मंचासीन गुरुजन एवं पत्रकार बंधु अतिथि का तिलक लगाकर एवं माला श्रीफल वस्त्र आदि प्रदान कर सम्मान किया। आपने तो बहुत पुरानी यूनिवर्सिटी का नाम पढ़ रखा होगा। कौन सी दो पुरानी यूनिवर्सिटी? तक्षशिला और नालंदा। ये दोनों इसी काम के लिए जानी जाती हैं कि पूरी तरह से उस जमाने में गुरुकुल पद्धति पर ही कार्य करते हैं और शिक्षक के या गुरु के संपर्क में रहकर विद्यार्थी में जो संस्कार आते थे वो आप सब जानते हैं। वहाँ पर बहुत कुछ आज भी जो अज्ञानता है कि हम राजपूत हैं और हमारे नीचे वाले लोग हैं, तुमको यार तो उनको नीचे बताओ उन पर बैठेंगे, ये आज भी समाज में हमारे कहीं ना कहीं है। लेकिन मैं उस चीज़ के बहुत परे हूँ। मैंने देखा कि यहाँ गंदगी है, मैंने काफ़ी लोगों को बोला तो बोलते हैं नहीं नरे कौन यार हल्का वहाँ क्या बढ़िया है, जिसका पानी आता है उसका पानी होता है। उनने जब नहीं माना तो मैंने एक दिन खुद वहाँ एक पहाड़ा और गेंती लेके गया और एक हरिजन बस्ती के सामने एक गड्ढा खोदना चालू किया। सुख जब उनको लगा कि ये एक राजपूत हो गया जब हमारी गंदगी साफ कर सकता है तो क्यों ना हम अपने गांव को साफ कर सकते हैं। बड़े हो या छोटे हो तो हम गुरु जो रहता है वो हमें फर्क बताता है कि हमारे छोटों से कैसे बात करना है, हमें बड़ों से कैसे बात करना है और गुरु का कैसे सम्मान करना है। अतिथि आए तो उन्हें हमें कैसे रिस्पॉन्स देना है या उनको हमें किस प्रकार से उन्हें उनके हमारे सहयोगी शिवम नामदेव की रिपोर्ट। विभिन्न सामाजिक व आरोन विकास के मुद्दे पर आधारित आरोन विकास मंच एवं आरोन तालाब निर्माण से जुड़े साथियों के साथ क्षेत्रीय विधायक जयवर्धन सिंह की उपस्थिति में एक बैठक संपन्न हुई जिसमें तालाब के वेस्ट वियर का मुद्दा विशेष रूप से छाया रहा। साथ ही लोगों ने तालाब के गहरीकरण, विस्तारीकरण, सौंदर्यीकरण व पार्क आदि के मुद्दे भी उठाए जिसमें विधायक द्वारा सभी कार्य कराने का आश्वासन दिया गया। तो बैठक में विधायक का जन्मदिवस भी मनाया गया व साफा बांधकर उनका आभार व्यक्त किया गया। बैठक की अध्यक्षता श्री पूरन सिंह रघुवंशी ने की। मंच के साथी राजेश शास्त्री, विनोद श्रीवास्तव, मनोहर भदौरिया, डॉक्टर आर सी गोयल, आबिद खान, शिव नारायण उपरंगी, कुलदीप श्रीवास्तव आदि ने अपने विचार बैठक में रखे एवं सैकड़ों गणमान्य नागरिक वहां मौजूद रहे। बैठक का संचालन मंच के साथी सोनू शर्मा ने किया। उसके बाद जो भी कुछ काम हुआ है वो आप सबके आशीर्वाद से हुआ है, क्योंकि जिस विचारधारा से आपने उस काम को अपनाया उसमें विशेषकर जो शब्द आप सबने और पूर्वतम ने उपयोग किया है जन सहयोग, ये काम किसी दल का नहीं था, ये काम किसी व्यक्ति का नहीं था, ये काम जन सहयोग का था। इसीलिए उस काम के बाद ये स्थिति बनी कि पिछले साल जो पानी के टैंकर हर मोहल्ले में लगते थे आरोन में, इस बार वो दिक्कत बिल्कुल नहीं आई है। तो ये आप सबकी देन है, क्योंकि जैसे हमारे प्रवक्ताओं ने कहा यहाँ पर काम करने के लिए बहुत लोग हैं चाहे कोई भी दल के हो, लेकिन आप सब क्योंकि यहाँ पर मानता गणमान्य नागरिक उपस्थित हैं, बुद्धिजीव लोग हैं, तो आप सबका कहीं ना कहीं दायित्व बनता है कि आप हमें सोर्स दें, आप हमें विचार दें और हम सब हमारे पूरे मेहनत से आपके लिए काम करेंगे। जैसे जब रंगी साहब आए थे तो फिर उसके एक दिन बाद ही शायद मैं वहाँ पहुँच गया था तालाब पे। सोनू भाई ने मुझे दो दिन पहले फ़ोन किया कि हम एक मीटिंग रखना चाहते हैं, तो मैंने कहा कि मैं 9 तारीख को रावगढ़ में हूँ तो आ जाऊँ। तो कहने का मतलब ये है कि आपको जब भी लगे कि मेरे लायक कुछ भी काम हो तो मैं आपको एक या दो दिन में ही आपको आपके बीच में आ सकता हूँ जब भी आप लोग कहोगे। और
आने वाले समय के लिए जो सबसे बड़ी जो सबसे बड़ा मुद्दा है जिसके बारे में वकील साहब ने भी बात उठाई थी, भदौरिया जी ने भी कहा था, वकील साहब ने भी कहा था कि वहाँ पर वेस्ट वेल बनना बहुत अनिवार्य है। अगर हम ये काम पिछली बार कर लेते तो शायद फिर वो एक स्थायी रूप का एक पूरा काम हो जाता, लेकिन जो भी कारण रहा होगा वो हम काम पूर्ण नहीं कर पाए थे। जबकि मैंने अनेक बार कहा कि आप मुझे उसका एस्टिमेट दे दो, बाकी मैं करवा दूंगा। और मैं वापस कह रहा हूँ आप सबको, मुझे सिर्फ उसका अनुमान चाहिए। जिस दिन आप कोई भी इंजीनियर के माध्यम से, मैंने ये बात सबको कही है, आप जिस दिन इंजीनियर के माध्यम से उस तालाब के वेस्ट बैंक का एस्टिमेट मेरे पास प्रस्तुत करोगे तो अगले ही दिन मैं चिट्ठी दूंगा शासन को, चाहे वो 5 लाख हो, 10 लाख हो, 20 लाख हो। वो मेरी जिम्मेदारी, पूरे काम पूर्ण होने की जिम्मेदारी मेरी है, लेकिन आपकी जिम्मेदारी है कि आप मुझे उसका एस्टिमेट दे दीजिए। दूसरी बात जो है घरीकरण का, आप सबके आशीर्वाद से उसका काफी अच्छा काम हुआ था पिछले साल। बहुत दुख की बात है कि शायद पिछले कुछ महीनों में वहां पर काफी कुछ कचरा रखा गया है, तो ये बहुत अफसोस की बात है। और क्योंकि मैं भी शायद जिस दिन हमने वो वहां पर मेहनत की थी उसके बाद मैं भी वहां जा नहीं पाया, तो क्यों ना श्रमदान जब किया था उसके बाद मैं भी वहां एक बार भी नहीं जा पाया, तो क्यों ना हम इस महीने के अंत में, क्योंकि मेरी विधानसभा चालू हो रही 14 तारीख को, मैं भोपाल में रहूंगा इसके बाद, तो क्यों ना इस महीने के अंत में या अगस्त के पहले हफ्ते में हम एक बार सब वही वापस मीटिंग करें, अगले महीने की मीटिंग, क्यों अध्यक्ष साहब अगर आप सहमत हो इससे तो अगस्त में पहले हफ्ते में हम वही मीटिंग। और उनसे हमारे सहयोगी मिथुन शर्मा की रिपोर्ट। शासकीय महाविद्यालय में मनाया गया गुरुवे नमः कार्यक्रम। शासन के निर्देशानुसार प्रदेश के समस्त महाविद्यालयों में गुरुवे नमः का आयोजन होना था, जिसमें समस्त छात्र छात्राओं द्वारा समस्त गुरुजनों का अभिनंदन करना था। इस अवसर पर समस्त महाविद्यालय के छात्र एवं छात्राएं मौजूद रहे। गुरु होते हैं, उसका जीवन बनाने का काम करते हैं। आज के समय में गुरु की आवश्यकता उतनी महत्वपूर्ण है जितना किसी गति के लिए समाज में उसके भगवान की आवश्यकता है या उनके माता पिता की आवश्यकता है। देश की जो आने वाले जो भी समय तय करता है, देश के राष्ट्र के लिए निर्माण के लिए कोई चीज अगर कोई व्यक्ति तय करता है तो वो उस राष्ट्र का गुरु तय करता है, क्योंकि युवाओं को माना गया है कि राष्ट्र के निर्माण के लिए युवाओं की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। लेकिन अगर वो युवा गलत राह पर चला जाता है तो उस देश का विध्वंस हो जाता है। लेकिन वहीं शासकीय महाविद्यालय में आज छात्र छात्राओं की काफ़ी भीड़ देखी गई। कारण था प्रवेश की अंतिम तिथि 12 जुलाई का होना। आपको बता दें कि महाविद्यालय में प्रवेश की अंतिम तिथि 12 जुलाई थी, जिसकी अधिसूचना कई छात्र छात्राओं को नहीं मिल पाई थी। जैसे तैसे छात्र छात्राओं को इसकी सूचना मिल रही है, वह तुरंत ही कॉलेज परिसर में पहुँच कर अपना प्रवेश फॉर्म जमा कराने के लिए इकट्ठा हो गए हैं। इसी के चलते यहाँ पर काफ़ी अव्यवस्थाएँ भी देखने को मिली। हालांकि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने इसकी अंतिम तिथि 12 से बढ़ाकर 15 जुलाई करवा दी है। साथ ही कार्यकर्ताओं का आह्वान है कि छात्र छात्राएं परेशान ना हों और इत्मीनान से आकर अपने प्रवेश फॉर्म जमा कर रहे हैं। तो बाद में भी ले सकते हैं, डेट 15 तारीख हो गई है, 12 नहीं है लास्ट डेट। बताएं आज ये भीड़ जो आज ये पीजी कॉलेज में हमेशा की तरह जो एक समस्या अपन को यहाँ देखने को मिल रही है कि डेट लास्ट डेट 12 तारीख जो थी, तो बच्चे जिस तरीके से 2-3 दिन का अल्प समय बच्चों को फॉर्म लेने के लिए, मार्कशीट लेने के लिए यहाँ पे मिला था, तो उसी वजह से बच्चे यहाँ परेशान हो रहे हैं और गाँव का पूरा अच्छे से सूचना में नहीं पाए, तो बेचारे बच्चे भागते हुए हैं मार्कशीट लेने के लिए। आज सुबह से कुछ बच्चे 6-6 घंटे से लाइन में परेशान हो रहे हैं, तो विद्यार्थी परिषद ने भी मांग नहीं करी थी तो उसको पूर्ण कर दिया गया और डेट बढ़ा के 15 तारीख कर दी गई है। तो सभी छात्रों से निवेदन करता हूँ कि इस तरह परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है, डेट बढ़ाकर 15 तारीख हो गई है, और अगर और भी समस्या लगती है तो उसके बाद भी प्रयास करेंगे डेट बढ़ाने। शासकीय डिस्पेंसरी में हुआ रक्तदान। आज कैंट के युवाओं ने कैंट स्थित शासकीय डिस्पेंसरी में रक्तदान किया। युवाओं का मानना था कि आज दिन भर में वह करीब 51 यूनिट रक्तदान करेंगे, पर दोपहर तक केवल 20 यूनिट ही रक्त इकट्ठा हो पाया।
युवाओं का हौसला देखते ही बनता था। अगर सभी युवा इसी प्रकार से जागरूक हो जाएं, तो कभी भी रक्त की कमी से कम किसी के घर का चिराग तो नहीं बुझेगा। इस तारीख को हमने जैसे यूनिट डोनेट किया था, इस बार हमारा टारगेट 51 यूनिट डोनेट करने का है। आज कहाँ पे हुआ है ये? कैंट 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 अस्पताल जसकंदरी में। अभी तक कितने लोगों ने ब्लड डोनेट कर? अभी 20 लोग हो चुके हमारे। कितने का टारगेट है? अपना 51 का टारगेट है सर। पूर्व मंत्री हुए शामिल गुरु पूजन कार्यक्रम में। बजरंगगढ़ के पास महर्षि वेद विज्ञान विद्यालय में गुरु पूर्णिमा कार्यक्रम पर पूर्व मंत्री मध्य प्रदेश शासन श्री लक्ष्मीकांत जी शर्मा शामिल हुए। यहां के विद्यार्थियों ने वेद उच्चारण कर श्री शर्मा जी का स्वागत किया एवं समिति के सदस्य श्री अवधेश शर्मा द्वारा महर्षि महेश योगी स्मृति चिन्ह भेंट प्रदान कर उनका सम्मान किया गया। विद्यालय में वृक्षारोपण किया। इसके पश्चात बजरंगगढ़ पर ओएन शर्मा की गौशाला में जाकर देखा गायों को एवं पौधे उगाने की व्यवस्था एवं उसको काफ़ी सराहा। ओएन शर्मा ने 2.5 लाख पौधारोपण करने की व्यवस्था अपनी गौशाला में की। उन्होंने 2.5 लाख पौधे एवं वृक्षारोपण करने का लक्ष्य भी लक्ष्मीकांत जी शर्मा को बताया। इस अवसर पर लक्ष्मीकांत शर्मा ने ओएन शर्मा को बधाई दी और प्रकृति के लिए उनके किए गए कार्य की सराहना की। कार्यक्रम के उपरांत लक्ष्मीकांत बीसभुजा देवी किला एवं घूमते हुए निज निवास के लिए प्रस्थान करेंगे। थोड़ा सा ऊपर देख लें हल्का सा। डीजियाना न्यूज में आज बस इतना ही। कल नई खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।